हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DS क्लासेज में। आज की वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 6 वुमेन्स एजुकेशन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है आपके सिलेबस में। इस बार इससे प्रश्न जरूर आएंगे आपके पेपर में। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो, शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले ये पूछा किस तरीके से जाता है। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, यानी जो शॉर्ट टाइप के आंसर्स लिखने होते हैं वो 30 शब्दों के ऊपर नहीं लिखने होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वुमेन इन आवर टाइम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे लिख सकते हैं, मोस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इन आवर टाइम्स देर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसको देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी नीड। तो आंसर है, और अथवा करके तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, व्हाट क्वालिटीज शुड द वुमेन हैव अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो आंसर है इस क्वेश्चन का, सोसाइटी नीड्स डिसिप्लिनेड वुमेन ऑफ कंट्रोल्ड बिहेवियर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज द रियल सिचुएशन रिगार्डिंग वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। आंसर, इन रियलिटी वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया इज नॉट वाइड स्प्रेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डज द अथर रिकमेंडेड आर एडवोकेट एंड व्हाई। तो आंसर है, द अथर रिकमेंड्स एन एजुकेशन विद ए डिफिनिट पर्पज बिकॉज एजुकेशन विदाउट पर्पज लीड्स टुवर्ड्स मिस्टेकन डीड्स रिजल्टिंग इन ग्रीफ। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर्ड एंड द अनकल्चर्ड माइंड सो फार एज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इज कंसर्नेड। आंसर है, ए कल्चर्ड माइंड इज डेडिकेटेड टू ए सिंगल पर्पज, व्हाइल अनकल्चर्ड माइंड इज स्कैटर्ड इन मैनी डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन पार्टिकुलर क्वालिटी डिस्टिंग्विशन ग्यूनसेस मैन फ्राम वुमेन। आंसर है, कंपेशन और फीलिंग ऑफ पिटी डिस्टिंग्विशेस मैन फ्राम वुमेन। क्वेश्चन नंबर 7 है। व्हाट क्वालिटीज आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो आंसर है इसका 7 नंबर का, काइंडनेस कंसिडरेटनेस एंड कंपेशन आर नेसेसरी क्वालिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग्स। आंसर है, द 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ आर द स्टडी ऑफ आवर एंशिएंट लिटरेचर एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, दीज 2 थिंग्स मुडमेन्स माइंड एंड हार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ ए वैल्यूएबल लाइफ। इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट क्वेश्चन है, इसे आप लिख सकते हो, ये मोस्ट क्वेश्चन है। अथवा इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। तो आंसर है, द 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ वैल्यूएबल लाइफ आर दम यानी सेल्फ कंट्रोल, दान यानी चैरिटी एंड दया अर्थात कंपेशन सहानुभूत। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट एम्स डू पीपल हैव इन व्यू जनरली व्हेन दे टॉक अबाउट एजुकेशन। तो आंसर है, जनरली द पीपल हैव 2 एम्स ऑफ एजुकेशन इन दियर व्यू। टू गिव, नंबर 1 है टू गिव द स्टूडेंट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव थ्रू साइंस हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, और दूसरा है टू गिव देम टेक्निकल स्किल टू अर्न दियर लिवलीहुड।
अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट भी है, पूछा जा सकता है। स्टेट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेयरली टू गेन स्किल आर टू नो मोर एंड मोर अबाउट द वर्ल्ड, बट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज द इनिशिएशन इनटू अ हायर लाइफ, इनिशिएशन इनटू अ वर्ल्ड विच ट्रांसेंड्स द वर्ड्स ऑफ स्पेस एंड टाइम। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट वेर द थिंग्स वुमेन इंटाइटलेड टू इन एंशिएंट इंडिया, आंसर है इन एंशिएंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत, वुमेन वेर इंटाइटलेड टू स्टडी वेदाज एंड टू द चैंटिंग ऑफ गायत्री मंत्र, यानी प्राचीन भारत में स्त्रियों को वेदों का अध्ययन करने तथा गायत्री मंत्र का जाप करने का अधिकार था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ आवर सिविलाइजेशन, अच्छा क्वेश्चन है, अर्थात हमारी सभ्यता के पतन का एक चिन्ह क्या है। आंसर है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन्स इज वन ऑफ द साइंस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ आवर सिविलाइजेशन, अर्थात स्त्रियों की पराधीनता हमारी सभ्यता के पतन का एक चिन्ह या प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। थ्रो हुज इफोर्ट्स हैज अ चेंज बीन थ्रो ब्रॉट अबाउट इन द कंडीशन ऑफ वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आंसर है थ्रो द इफोर्ट्स ऑफ महात्मा गांधी ए चेंज हैज बीन ब्रॉट अबाउट इन द कंडीशन ऑफ वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी के प्रयासों से स्त्रियों की दशा में परिवर्तन आया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ क्लासिक्स इन शेपिंग द पर्सनालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन सोसाइटी, तो आंसर है व्हेन वी स्टडी आवर क्लासिक्स वी कम इन क्लोज कंटेक्ट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड माइंड्स, देयर वी फाइंड मैनी एग्जाम्पल्स विच फिल अस विद द फीलिंग्स ऑफ कंसिडरेटनेस काइंडनेस एंड कंपेशन विच सेप द पर्सनैलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन आवर सोसाइटी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं मोस्ट। व्हाई इज एजुकेशन ऑफ वुमेन इसेंशियल फॉर ए नेशन, अर्थात एक राष्ट्र के लिए स्त्रियों की शिक्षा क्यों आवश्यक है, तो इसका आंसर देखते हैं। द प्रोग्रेस ऑफ नेशन डिपेंड्स अपॉन इट्स वुमेन आल्सो, सो द एजुकेशन ऑफ वुमेन इज इसेंशियल सो दैट दे मे बी ब्रॉड माइंडेड एंड वेल डिसिप्लिनेड। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कई बार पूछा भी गया। व्हाट वाज द ग्रेट टीचिंग दैट लक्ष्मण्स मदर गेव हिम व्हेन ही वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट, अर्थात लक्ष्मण की माता ने उसे क्या महान शिक्षा दी जब वे जंगल को जा रहे थे, तो इसका आंसर है व्हेन लक्ष्मण वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट हिज मदर टॉट हिम लुक अपॉन राम एज योर फादर लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट कॉसेस द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड अकॉर्डिंग टू एस राधा कृष्णन, यानी इस लेसन के जो राइटर हैं एस राधा कृष्णन उनके अकॉर्डिंग अनुसार यानी नारित्व के पतन का क्या कारण है, तो आंसर है अकॉर्डिंग टू एस राधा कृष्णन सब्जेक्शन ऑफ वुमेन कॉसेस द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसमें जो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताए हैं उनको विशेषकर ध्यान दे करके पढ़ लेना, और वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट और एक 100% गारंटी के इस लेसन से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार जरूर आएगा,
यदि नहीं आए तो बोर्ड एग्जाम के बाद ये हमारी वीडियो पुनः देखना और कमेंट करने के बाद बताना कि सर आपने कहा था इस वीडियो से आएगा और इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो अंत में आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारे वीडियो का कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल DS Classes को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये हमारा नहीं, ये आपका अपना YouTube चैनल है। तो